जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, मैं आपसे बात करने वाला हूँ चोटी कटने के मुद्दे को लेकर के, और कोशिश करूंगा आपसे जानने की राय कमेंट्स के थ्रू कि आपकी क्या राय है इस तरीके के मुद्दों पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बात को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में बता दूं कि किस किस तरीके से सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही हैं। आप इस इमेज को देखिए यार, हद हो गई। सर में ताला लगाने की क्या जरूरत है यार? कोई अगर तुम्हारी चोटी काट रहा है तो तुम इतना डर जाओगे कि सर में ताला लगाओगे। एनीवे, इसे जाने दीजिए। ये देखिए दूसरी इमेज यार, यहाँ तो लोगों ने बिल्कुल हद कर दी है यार। रात में सर पे हेलमेट लगा करके सो रहे हैं, इस तरीके की अफवाहें चल रही हैं। हालांकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं होगा। तो आखिर काट कौन रहा है चोटी? मैं काट रहा हूँ। मैं और इमरान हाशमी मिलके एक साथ काट रहे हैं चोटी। ओ रुक जा भाई, रुक जा। तू जो बात कर रहा है ना, वो किसी और के सामने मत करियो, गलती से भी। ठीक है भाई, नहीं करूंगा यार, मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास सुनो, जाए आप तू यहाँ से जा। ठीक है, जा रहा हूँ, चला जा, जा रहा हूँ। और हाँ, ये फालतू की खुरा बातें ना, ठीक है यार, नहीं करूंगा भाई, गलती होगी, नहीं नहीं करूंगा, सॉरी यार, आई एम सॉरी। तो दोस्तों, इसकी बातों का आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ये बेचारा जॉब वॉब है नहीं, बेचारा ऐसे ही घूमता रहता है। तो दोस्तों, एक बात सोचने की है, कहाँ जा रहा है हमारा समाज यार? किस किस तरीके की अफवाहें, एक से एक हद हो गई यार। अजीबोगरीब अफवाहें, अफवाहों पे हम ध्यान देते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा, 2002 या 2003 की बात है, मुनोचा वाली अफवाह चली थी, बॉलीवुड ने फिल्म बना दी उसके ऊपर, दिल्ली छे, और बाद में असल क्या निकला? कुछ भी नहीं, सारा का सारा झूठ। अभी फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले, अभी 6-3-4 महीने हुए होंगे, एक रूमर उड़ा था, ये याद हो आपको, नमक, नमक के रेट जो है वो बहुत हाई बढ़ गया। यार हमारी सोसाइटी में अफवाहों पर इतना ध्यान दिया जाता है कि असल चीज़ तो हमसे रह ही जाती है। तो दोस्तों, अभी एक और अफवाह, लेटेस्ट अफवाह, एक आपको 8-8-9-9-7-7-8-8-9-9 नंबर की कॉल आएगी और आप फोन रिसीव करते ही मर जाएंगे। तो इस तरीके की अफवाहों पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें। और फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके की अफवाहों जो हैं आप किसी और तक शेयर ना करें और ना ही शेयर करने दें फ्रेंड्स। और आगे बताएं कि इस तरीके की बातें फैलाने से सिर्फ समाज में अंधविश्वास जैसी बुराइयां पनपती हैं और कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ मुझे मिली है कि ऐसा बताया जा रहा है कि एक कीड़ा था जो मतलब चोटियाँ काट रहा था। अब आई डोंट थिंक कीड़ा चोटी बाल काटने का, आज से पहले कभी कोई कीड़े नहीं हुए इस तरीके के कीड़े बाल काटे। हालांकि इस तरीके की अफवाहें फैली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों की चोटी नहीं कटी है, लेकिन वो चोटी किस तरीके से काटी गई है, मे बी दिल्ली में अभी चोटी कटने की घटना हुई थी तो उसे तो पब्लिसिटी स्टंट माना जा रहा है। तो इस तरीके की फ्रेंड्स अफवाहें हैं, इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा समाज, इस तरीके की अफवाहें बिल्कुल ठीक नहीं है। तो प्लीज़ ना फैलाएं इस तरह की अफवाहें और ना किसी को फैलाने दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा इसमें सहयोग करें। थैंक यू फॉर। अगर फ्रेंड्स आपको कंटेंट ठीक लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और आपको अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मत कीजिएगा, कोई दूसरी वीडियो देखिएगा, अगर वो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।